जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव अग्निहोत्री आज क्लास 12th की पोएट्री की फर्स्ट पोएम जिसका टाइटल है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, वह मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो पोएम है उसे सर हेनरी वॉटन ने लिखा है, और सर हेनरी वॉटन ने इस पोएम में एक वास्तविक जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसके कुछ गुणों का वर्णन किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के पास ये गुण हैं तो वो वास्तव में एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है, मैं फर्स्ट स्टैंजा की हिंदी आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। और देखते हैं, पहली लाइन है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। पोएट कह रहा है हाउ हैप्पी कि कितना प्रसन्न इज मीन्स है, ही मीन्स वह, कि वह व्यक्ति जन्म से कितना प्रसन्न होता है। बॉर्न मीन्स जन्म से, और मीन्स अथवा टॉट मीन्स होता है शिक्षा, कि वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट मीन्स जो, सर्व मीन्स सेवा करना, आज्ञा का पालन करना, नॉट मीन्स नहीं, एन अदर्स किसी भी दूसरे की, विल मीन्स इच्छा के अनुसार। बॉर्न और टॉट का मीन्स आपको थोड़ा सा समझा दें। पोएट ने यहाँ पर बॉर्न का मीन्स लिखा है जन्म से। जन्म से का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन जो जन्म से ही ये गुण लेकर के पृथ्वी पर आते हैं, जन्म से ही उनके अंदर ये लक्षण होते हैं कि वो किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद में ऐसे अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहता है, ऐसे लोगों से उनको शिक्षा प्राप्त होती है। तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद टॉट में सीखना, शिक्षा प्राप्त करना, कि वो शिक्षा प्राप्त करके ऐसा गुण उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि वो किसी की भी गुलामी करना पसंद नहीं करते, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार वो कार्य करना पसंद नहीं करते। हूज आर्मर, जिनका आर्मर मीन्स होता है कवच। कवच आप लोग जानते ही होंगे, कवच का मीन्स रक्षा करने वाला यंत्र, कि जिनका रक्षा करने वाला यंत्र। इज मीन्स है, हिज मीन्स उनका, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी पूर्ण, थॉट मीन्स विचार, कि उनके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और सरल सत्य बोलना ही हिज अटमोस्ट मीन्स सर्वाधिक, स्किल मीन्स योग्यता, और सरल सत्य बोलना ही उनकी सबसे अच्छी योग्यता होती है। दोबारा से हिंदी समझ लें इस स्टैंजा की। पोएट कह रहा है कि वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, जिसके कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार होते हैं, और सरल सत्य बोलना ही उसकी सर्वाधिक योग्यता होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। आप लोग सेकंड स्टैंजा देखें।
हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वह कह रहा है कि जिन लोगों के पैशंस मीन्स मनोवेग, मनोवेग का मीन्स मन में उठने वाली तीव्र इच्छाएं कि काश हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, दुनिया के सारे ऐशो आराम हो, तो जिसके मनोवेग उसके, नॉट मीन्स नहीं, मास्टर्स मीन्स मालिक, आर मीन्स हैं, कि जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते हैं, का मतलब ये हुआ कि वास्तव में अगर कोई रियली हैप्पी मैन है, अगर वास्तव में कोई प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, तो जो उसके मनोवेग होते हैं, मन में उठने वाली इच्छाएं जो कि मनुष्य जाति है, ईश्वर नहीं है, मनोवेग सबके मन में आ सकते हैं, लेकिन रियली हैप्पी मैन का की क्वालिटी ये होती है कि उसके जो मनोवेग होते हैं वो उसके मालिक नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद अपने मनोवेगों का मालिक होता है। हूज सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रीपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, यानी रियली हैप्पी मैन जो है उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, का अर्थ ये हुआ कि उसे मरने से भी डर नहीं लगता है, और अगर मृत्यु उसके पास आती है तो उसे कोई मरने की चिंता नहीं है, मतलब हमेशा वो मृत्यु के लिए तैयार है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त, अनटू द वर्ल्ड संसार के, विद केयर मीन्स चिंताओं से, जो सांसारिक चिंताएं हैं, सांसारिक जो माया मोह है, सांसारिक चिंताएं हैं, उनसे वह बंधन मुक्त होता है, मतलब उसे उन चिंताओं से कोई लेना देना नहीं होता है। और अगली लाइन में पोएट ने थोड़ा सा लिखा है लेकिन समझना हमें ज्यादा है, पोएट ने लिखा है ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली का मीन्स होता है राजकुमार के द्वारा किया गया, लव मीन्स प्रेम, अब राजकुमार कौन होगा, जनरल सी बात है कि राजकुमार कोई राजा का बेटा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई अमीर आदमी होगा, तो किसी अमीर आदमी के द्वारा किया गया प्रेम का हम यह कह सकते हैं कि रियली हैप्पी मैन ये नहीं चाहता है कि उसका उठना बैठना, उसका मिलना जुलना, उसकी दोस्ती किसी ऐसे इंसान के साथ हो, जरूर हो जाए जो अमीर आदमी हो, राजकुमार जैसा हो, यानी वो किसी अमीर आदमी के आगे पीछे घूमना भी नहीं चाहता, या फिर वल्गर ब्रीथ, वल्गर का मीन्स होता है तुच्छ व्यक्ति, और ब्रीथ का मीन्स होता है आलोचना करना, या वो किसी तुच्छ व्यक्ति, यानी कोई अगर कितना तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह उसकी बुराई कर देता है तब भी रियली हैप्पी मैन को इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। एक बार और रिवाइज करते हैं, हिंदी बताते हैं सेकंड स्टैंजा की, जिसके मनोवेग, यानी वास्तव में जो रियली हैप्पी मैन है उसके अंदर उठने वाले मनोवेग उसके मालिक नहीं होते हैं, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से भी नहीं डरता है, संसार की सभी चिंताओं से वह बंधन मुक्त होता है, और उसे नहीं किसी राजकुमार के द्वारा, नहीं किसी अमीर आदमी के द्वारा किए गए प्रेम की चिंता होती है, और नहीं उसे ये दुख होता है कि अगर कोई तुच्छ व्यक्ति उसकी आलोचना कर दे, उसकी बुराई कर दे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थर्ड स्टैंजा आया है, देखते हैं, पोएट कह रहा है Who hath his life from rumors freed? जो रियली हैप्पी मैन होता है वह hath means has, has means रखता है, यानी कि रियली हैप्पी मैन रखता है his life, अपने जीवन को from rumors, rumors means होता है अफवाहें, और freed का means होता है स्वतंत्र, कि रियली हैप्पी मैन अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, का अर्थ ये हुआ कि अगर उसके प्रति, अगर उसको किसी जाल में फंसाने के लिए किसी ने उसके लिए कुछ अफवाहें उड़ा दी हैं, तो रियली हैप्पी मैन उन अफवाहों से कोई मतलब नहीं रखता है। हूज कंसाइंस,
कंसाइंस मीन्स अंतर आत्मा। इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट का मीन्स होता है शरण स्थल, का मीन्स शरण लेने वाला स्थान। तो पोएट कह रहा है कि रियली हैप्पी मैन जो है उसकी आत्मा ही उसका सबसे मजबूत शरण स्थल होता है। ठीक, समझाता हूं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसको कोई परेशानी है और वो परेशानी में उस परेशानी को सहन करने में सक्षम नहीं है तो क्या करता है, अपने रिश्तेदार के पास जाता है, अपने दोस्त की शरण लेता है, किसी और की शरण लेता है, किसी पावरफुल इंसान के पास जाता है कि प्लीज हेल्प मी। लेकिन रियली हैप्पी मैन अगर उसे कोई परेशानी है तो जो उसकी अंतरात्मा है वो इतनी ताकतवर होती है कि उसे अपनी अंतरात्मा में ही खुद शरण मिल जाती है। नेक्स्ट लाइन, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट, जिसकी स्थिति कैन नाइदर नहीं हो सकती है। फ्लैटर मीन्स चापलूस व्यक्ति, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, और फ्लैटरर्स मीन्स चापलूसी करने वाले लोग। फीट का मीन्स होता है ऐसे भोजन होता है, भोजन खाना, लेकिन यहाँ पर है संतुष्ट होना। ओके, तो पोएट कह रहा है कि जिसकी स्थिति कभी भी चापलूस लोगों से संतुष्ट नहीं हो सकती है। मतलब पोएट कहना चाहता है कि रियली हैप्पी मैन चापलूसी भी नहीं पसंद करता है। ओके, नॉर रुइंस मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और पोएट कह रहा है कि नॉर मीन्स नहीं, रुइंस मीन्स होता है विनाश करना, ऑपरेशंस मीन्स अत्याचारी, और ग्रेट का मीन्स होता है महान। कि कोई भी अत्याचारी व्यक्ति अगर ऐसे गुण वाले व्यक्ति का जो इतना जो रियली हैप्पी मैन है, वास्तव में जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर कोई अत्याचारी व्यक्ति विनाश कर दे, उसको बर्बाद करके सोचे कि हम महान बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। जो व्यक्ति यानी जो वास्तव में रियली हैप्पी मैन है, वह अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है, जिसकी अंतर आत्मा हमेशा उसका सबसे मजबूत शरण स्थल होता है, जिसकी स्थिति कभी भी चापलूस लोगों से संतुष्ट नहीं हो सकती है, और कोई भी अत्याचारी व्यक्ति अगर उसका विनाश करके महान बनने की सोच रहा है तो उसका विचार गलत है। रियली हैप्पी मैन का विनाश करके कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। देन नेक्स्ट संज्ञा पर आते हैं। हु एनिमीज, नन हुम चांस डथ रेस। हु मीन्स जिसके, एनिमीज मीन्स होता है शत्रु। कि रियली हैप्पी मैन, वैसे तो जब वो रियली हैप्पी मैन है तो उसकी तरफ से तो उसकी किसी से दुश्मनी हो नहीं सकती, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उससे दुश्मनी मानता हो। ठीक है, तो अगर वास्तव में अगर ऐसा है भी कि जो उसके शत्रु बाय चांस, ठीक है, हुम मीन्स जो, बाय चांस मीन्स संयोग बस, डथ रेज, रेज मीन्स होता है ऊंचा उठना, और डथ का मीन्स होता है डज, जिसका मीन्स होता है ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो पोएट कह रहा है कि रियली हैप्पी मैन, पहली बात तो उसके कोई दुश्मन होते नहीं है, और अगर बाय चांस उसका कोई दुश्मन है भी और संयोग से वह उसका स्तर रियली हैप्पी मैन के स्तर से ऊंचा उठ गया है, तो नॉर वाइस, वाइस का मीन्स होता है बुराई करना और नफरत करना भी होता है। ओके, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रियली हैप्पी मैन उससे नफरत नहीं करता है। ओके, हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता है, यानी रियली हैप्पी मैन इस बात को कभी नहीं मानता है, इस बात को। नेक्स्ट लाइन में देखें, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स, के कितने गहरे घाव, डीपेस्ट मीन्स गहरे से गहरे, बाउंड्स मीन्स घाव, आर गिवेन, दिए जा सकते हैं विद प्रेज, झूठी प्रशंसा से।
ओके, थोड़ा सा समझा देते हैं कि झूठी प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहेंगे स्टूडेंट्स। एक उदाहरण लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट कोई स्टूडेंट मेरे कॉलेज में पढ़ने आया, फर्स्ट क्लास में उसका लेने के लिए, फर्स्ट लेक्चर के लिए पहुंचा उसके क्लास में, और मैंने उससे कुछ क्वेश्चन कर दिया, बाय चांस उसने हमें उसका आंसर दे दिया और मैंने उसकी प्रशंसा कर दी कि वाह शाबाश बेटे, तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तुम इंग्लिश में परफेक्ट हो। अब कुछ मिनट के लिए सोचें कि जिस स्टूडेंट को मैंने एक बार में ही परख लिया, हो सकता है कि जो प्रश्न मैंने उससे पूछा वो उसे ऑलरेडी पता हो, इसलिए उसने उसका आंसर दे दिया। लेकिन उस एक आंसर से हम उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही मैंने उससे कहा कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात बैठ गई कि वाह वाह सर ने तो मेरी प्रशंसा कर दी, अब मुझे इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है, अब मुझे इंग्लिश पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है, बाकी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ूंगा, इंग्लिश तो मुझे अब नहीं पढ़नी, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। यानी अर्थ क्या हुआ कि मैंने उसकी प्रशंसा की, चाहे वो झूठी ही प्रशंसा क्यों ना हो, लेकिन उसका अर्थ, उसका परिणाम ये हुआ कि उसने इंग्लिश को इग्नोर किया, उसने इंग्लिश को पढ़ना कम किया या बंद किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब एग्जाम्स हुए उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या तो उसके मार्क्स कम आए या फिर वो फेल हो गया। तो मैं बताना चाह रहा था कि झूठी प्रशंसा से लंबे समय में, यानी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात देखें, तो लोगों को घाव मिल सकता है अगर हम किसी की चापलूसी कर दें, किसी की झूठी प्रशंसा कर दें और वह उस प्रशंसा में फंस जाए, तो ये इन फ्यूचर ये हो सकता है कि वो उससे बहुत बड़ा उसे हानि का सामना करना पड़ सकता है। ये बात मानव जाति में सत्य सिद्ध है, लेकिन रियली हैप्पी मैन, क्योंकि वो रियली हैप्पी मैन है, वास्तव में खुश व्यक्ति है, तो उसे चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे चाहे ना करे, सच्ची करे या झूठी करे, उससे उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए वो इस बात को नहीं समझता है, इस बात को मानता ही नहीं है कि झूठे प्रशंसा से गहरे घाव मिल सकते हैं, क्योंकि वो तो झूठे प्रशंसा में फंसने वाला होता नहीं है। ओके, और लास्ट लाइन इस स्टेंजा की है, ना रूल्स ऑफ स्टेट, नॉर मीन्स नहीं, रूल्स मीन्स कानून नियम, ऑफ स्टेट मीन्स राज्य के, या कह सकते हैं देश द्वारा बनाए गए, शासन द्वारा बनाए गए नियम का पालन वो करे चाहे ना करे, यानी करता तो होगा ही, लेकिन हो सकता है कि वो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे या फिर ना करे, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का पालन जरूर करता है। ओके, एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं दोबारा से कि जो व्यक्ति, यानी जो रियली हैप्पी मैन है, वास्तव में उसके वैसे तो शत्रु होते नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई दुश्मन है भी, संयोग से वह उससे ऊंचा उठ गया है स्तर में, स्टेटस में, तो वो उससे नफरत नहीं करता रियली हैप्पी मैन, और वो इस बात को कभी मानता ही नहीं है कि झूठी प्रशंसा के द्वारा गहरे घाव दिए जा सकते हैं। वो राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे या फिर ना करे, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का पालन जरूर करता है। ओके स्टूडेंट्स, देन आगे बढ़ते हैं, अगले संज्ञा पर आए हैं, तो इसमें देखते हैं, पोएट कह रहा है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की, डथ मीन्स डज, अभी ऊपर वाले संज्ञा में आ चुका है, मैंने बताया भी था, डथ मीन्स डज, यानी डू डज प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ओके, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, प्रे मीन्स प्रार्थना करता है, लेट मीन्स देर से, और यहाँ देर से का मतलब लगाया गया है, देर दिन में कब होती है, शाम को, एंड अर्ली और जल्दी, कि वह ईश्वर की, जल्दी मीन्स सुबह में, जल्दी क्या होता है, मॉर्निंग, तो यहाँ पर अर्ली का मीन्स हो गया मॉर्निंग और लेट का मीन्स हो गया इवनिंग। ओके,
तो रियली हैप्पी मैन ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम सिर्फ इसलिए करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर मीन्स अधिक से अधिक ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है कृपा, यानी कि वह ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करता है कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हो सके। देन मीन्स बजाय, गिफ्ट मीन्स उपहार, टू लैंड मीन्स देना। वो ईश्वर की प्रार्थना इसलिए नहीं करता है कि उसके बदले में ईश्वर उसे कोई उपहार दे, ठीक है। मतलब कि जो रियली हैप्पी मैन होता है वो एक आम मानव जाति के समान नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग ईश्वर को सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई दुख होता है, उन्हें कोई परेशानी होती है। एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। अर्थ ये हुआ कि अगर भगवान का सुमिरन हम प्रसन्नता, जब हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, तब भी कर लें, तो हो सकता है कि भगवान हमें दुख देने वाला समय ही ना लाए, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई दुख होता है, किसी दुख में फंसे होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जरा समझना, अपने ऊपर ध्यान देना, कि स्टूडेंट्स में मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हो सकता है कि मार्च में एडमिशन होता है और मार्च से लेकर के और जनवरी तक वो पूजा पाठ करते ही ना हो, लेकिन जब फरवरी में एग्जाम होते हैं तो वो सुबह टाइम से उठ जाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, भगवान के पास जो भी पूजा घर होता है वहां जाकर के एक धूप बत्ती या अगरबत्ती लगा देते हैं। उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि मंदिर में भगवान के दर्शन करके ही हम एग्जाम देने जाएं, और उनका ये एक प्रकार से प्रार्थना करना, तो देखा जाए तो प्रार्थना करना जो है वो उनका एक प्रकार से भगवान से व्यापार होता है कि देखो भाई मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ और अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरा एग्जाम बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंडीशन भगवान के सामने पहले ही रख दी, मांग पहले ही लिया और प्रार्थना की बाद में, ठीक है। तो रियली हैप्पी मैन इस प्रकार के लोगों से बिल्कुल अलग होता है। रियली हैप्पी मैन क्या करता है कि वह भगवान की प्रार्थना करता तो है सुबह और शाम, सिर्फ इसलिए करता है कि भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, न कि इसलिए करता है कि भगवान उसके बदले में उसे कोई उपहार दे। ओके, नेक्स्ट लाइन है, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु मीन्स जो एंटरटेन मीन्स मनोरंजन करता है द हार्मलेस डे, हानि रहित दिन में, मतलब वो मनोरंजन भी कर लेता है और उसके समय दिन में जो उसका टाइम होता है उसकी हानि भी नहीं होती है। भाई ऐसा मनोरंजन कौन सा हुआ, अगर हम मूवी देखेंगे तो ढाई या तीन घंटे तो खर्च ही हो जाएंगे, तब एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है। कोई लूडो वूडो खेलते हैं तब भी टाइम खर्च होगा, कैरम खेलते हैं टाइम खर्च होगा, लेकिन ऐसा कौन सा एंटरटेनमेंट है जिसमें हमारे टाइम की भी हानि ना हो और हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो नेक्स्ट लाइन में दिखाया है, पोएट ने कहा है, बी द वेल चूजन बुक, कि या तो वो अच्छी चुनी हुई किताब पढ़ता है, यानी कि वह अपना समय अच्छी सी किताब को चुन लेता है कि जिस किताब में बढ़िया शिक्षा दी जाती है उस किताब को चुन लेता है, या फिर अ फ्रेंड किसी अच्छे मित्र से बैठ करके बात करता है, यानी जिसको हम कहते हैं सत्संग, मीन्स अच्छे लोगों की साथ बैठ करके
अपनी बात बताना, उनकी बात को सुनना, अच्छी बातों को पता करना, इससे उनका एंटरटेनमेंट तो होता ही है, साथ साथ में उनका ज्ञान भी बढ़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके दिन के समय की हानि भी नहीं होती। ओके, एक बार और देखते हैं इसकी हिंदी। रियली हैप्पी मैन, कि जो वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना सिर्फ इसलिए करता है कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे, इसलिए नहीं करता है कि ईश्वर उसे उसके बदले में कोई उपहार दे। और जो व्यक्ति अपने दिन में पूरे दिन में उसकी समय की हानि भी न करते हुए मनोरंजन करता है, किस प्रकार से, या तो वो अच्छी सी चुनी हुई पुस्तक पढ़ता है और या फिर वह अच्छे मित्रों से बैठ करके उसके साथ में बात करता है। ओके, और अब हम लोग आ गए हैं लास्ट संज्ञा पर, इस पोएम की। तो और ये अगर एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंजा है ये, बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में आता है एक्सप्लेन करने के लिए। देखें, ध्यान से समझें। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा इंसान कि जो रियली हैप्पी मैन है, जिसके अंदर वो सारे क्वालिटीज हैं जो अभी ऊपर पोएम से पढ़ाते हुए लास्ट संज्ञा पे पहुंचे हैं, कि ऐसा रियली हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, वह स्वतंत्र होता है। सर्वाइल मीन्स होता है गुलामी के, और बैंड्स मीन्स होता है बंधन का। मतलब अगर जिस व्यक्ति के अंदर ऊपर वाली जो उपरोक्त गुण जिस व्यक्ति के अंदर हैं, वह गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। ऑफ होप टू राइज, ऑफ होप मीन्स आशा, टू राइज मीन्स ऊंचे उठने की, कि रियली हैप्पी मैन को न तो यह उम्मीद होती है कि जिस जगह पर है, जिस स्तर पर है, जो स्टैंडर्ड उसका है, वहां से उसका स्टैंडर्ड और ऊंचा उठ जाए, न उसे ये उम्मीद होती है, और फियर टू फॉल, और न ही उसे डर होता है कि आज जो स्तर हमारा है वहां से कहीं हम नीचे न खिसक जाए, कहीं नीचे न गिर जाए। ओके, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स स्वामी होता है, मालिक होता है, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं का, कि रियली हैप्पी मैन जो है वो स्वयं का स्वामी होता है। दो मीन्स यद्यपि, नॉट ऑफ लैंड, उसके पास कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई भूमि, खेत पात कुछ भी ना हो, कि यद्यपि उसके पास चाहे कोई भी संपत्ति ना हो, कोई भी उसकी प्रॉपर्टी खुद की ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर उपरोक्त गुण है तो वो स्वयं का स्वामी होता है। और लास्ट में पोएट ने जो लाइन लिखी है उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। पोएट ने कहा है, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी न रखते हुए, मतलब उस इंसान के पास चाहे कुछ भी न हो, ही हैथ ऑल मीन्स ही हैज ऑल, कि अगर उसके पास कुछ नहीं है तब भी वह सब कुछ रखता है, अगर उसके अंदर उपरोक्त गुण है तो। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं लास्ट स्टैंजा, कि ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र होता है, न तो उसे ऊंचा उठने की आशा होती है, न उसे नीचे गिरने का डर होता है, स्वयं का स्वामी होता है, चाहे उसके पास संपत्ति के नाम पे कुछ भी न हो, और कुछ भी न रखते हुए अगर उपरोक्त गुण उसके अंदर हैं, तो वो सब कुछ रखता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप लोगों की पोएम समझ में आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके सामने आता रहूं एक नई पोएम के साथ, और जिससे कि आप लोगों की जो तैयारी है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो और समय से आपकी तैयारी भी चलती रहे। साथ साथ में आप लोगों से फिर से मेरा एक मेरी अपील है कि कृपया खुद को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को,
इस महामारी की काल में सुरक्षित रखें, प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न रखें, साथ साथ में लॉकडाउन का नियमित पालन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।